गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज नवनीत जांगे फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई टीच इंग्लिश हियर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोएम नंबर 3 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ पोएम इज द प्रेयर। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रीड द पोएम नंबर 2 एंड दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इन दैट पोएम वी गेट टू नो अबाउट हाउ ए काइट फ्लू इन द स्काई एंड द ऑथर ऑफ द poem show us the significance role of a kite in our daily life. In today's lesson, we are going to learn the quarrel. How does a quarrel happen? How does it end? And how it start? And what we feel after we quarrel with our siblings? ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो poem है, उसका नाम है The Quarrel, poem number 3, class 6 का। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि जब हम आपस में भाई बहन सब लड़ते हैं, सब झगड़ते हैं, है ना, तो वो लड़ते हैं झगड़ते हैं तो इनकी लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है। जैसे छोटे मोटे मैटर होते हैं उन पे इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कोई बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा, वो बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा, है ना। कभी कोई बोलता है कि टीवी का रिमोट मुझे दे, कोई बोलता है ये चीज मुझे दे, है ना। ऐसे क्या होती है अपने भाई बहनों में, अपने ब्रदर सिस्टर में, ब्रदर्स में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है ना। जिस क्या है, ये बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है, जैसे कि इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वैरल, कि मतलब ब्रदर और सिस्टर का आपस में झगड़ना क्या एक सामान्य बात है। ऑल्दो समटाइम्स दे मे हैव नॉट बीन मे हैव ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाट दे व्हाई दे क्वैरल। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें खुद को ही नहीं पता होता है कि हम झगड़ क्यों रहे हैं, है ना। आती है ना सिचुएशन ऐसी कभी कभी, है ना। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वैरल लास्ट, लेकिन ऐसी लड़ाइयां कब तक बनी रहती है एंड हाउ डू दे एंड, और वो खत्म कैसे होती है, सब हमें पता है इस चीज के बारे में, है ना। तो इसी चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जो पोएम है क्वैरल। उस पे फट गया, ये क्या हुआ? क्वैरल को दिखाया गया है। ठीक है, तो जो भाई बहन के झगड़े होते हैं आपस में, सिब्लिंग्स के झगड़े होते हैं, उसी चीज को इसमें समझाया गया है कि वो लड़ाइयाँ स्टार्ट क्यों होती है और वो खत्म कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे आई क्वैरल्ड विद माई ब्रदर, एक लड़का है या फिर एक लड़की, वो बोल रही है कि आई क्वैरल्ड विद माई ब्रदर, कि मैंने मेरे भाई से झगड़ा कर लिया। आई डोंट नो वॉट अबाउट, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस बारे में किया। ठीक है, कि उन्होंने झगड़ा तो कर लिया है लेकिन ये नहीं पता उस झगड़े का रीजन क्या है, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात पर झगड़ लेते हैं फिर ये भी भूल जाते हैं कि हम झगड़ क्यों रहे हैं, है ना। तो जो वर्ड अपना यहाँ क्वैरल, इसका मतलब क्या होता है, फाइट। ठीक है, जो अपना वर्ड है क्वैरल का मतलब क्या होता है, फाइट, झगड़ना। ठीक है, वन थिंग लेड टू अनदर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई एक चीज से लड़ाई शुरू होती है और वो बाद में अलग अलग चीजों तक पहुंच जाती है। जैसे मान लो कि पहले बोला कि मैंने, किसी ने बोला कि तूने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, ठीक है, तो फिर वो बात खत्म हो तो फिर अगली बात शुरू हो जाती है कि नहीं तूने मुझे उस दिन ऐसा बोला था। तो इस तरह से क्या होता है, वो लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं हो पाती है, है ना। तो इस तरह से कहा गया कि वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज शुरू होती है और उस चीज से वो एक चीज किसी और चीज को लेकर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही बोला गया है वन थिंग लेड टू अनदर, है ना। तो एक चीज झगड़ा एक चीज से स्टार्ट होता है फिर वो खत्म होता ही नहीं है। जैसे कि पहले मान लो एक दो भाई बहन वो झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले ने बोला कि मुझे रिमोट पहले दे, ठीक है, उसे छीन के भाग गया, फिर उसने उसको मारा, लड़ाई शुरू हो गई, तो फिर क्या होता है, उसको याद आता है कि हाँ उसने मुझे उस दिन मारा था, फिर वो बात लेके आता है दूसरी बात, फिर वो उसके मारता है। तो इससे क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, हाथामुक्की होती है, बढ़िया होती नहीं होती, सबके घर में होती है ऐसा, है ना, इसीलिए। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और इस तरह से बातें शुरू होती है एंड सम हाउ वी फेल आउट, और हमारी लड़ाई किसी ना किसी वजह से स्टार्ट हो जाती है। जो वर्ड यहाँ पर अपना है फेल आउट, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, ठीक है, फॉल आउट। To start, begin, ठीक है,
तो वर्ड अपना फेल आउट का मतलब क्या है, स्टार्ट होना या शुरू होना। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो क्या होती है, थोड़ी सी होती है ना, सिर्फ कहा सुनी होती है, होती नहीं होती है। तो पहले थोड़ी है कि हम आतिशीता थप्पड़ मुक्के मारने लग जाते हैं, नहीं करते ना ऐसा, पहले क्या करते हैं, ये तो होती है पहले, अपन झगड़ते हैं बातों से लड़ाई करते हैं ना। तो इसमें बोला गया है द स्टार्ट ऑफ इट की लड़ाई की जो शुरुआत होती है वॉज स्लाइट, वो थोड़ी सी बात पे शुरू होती है। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब इसका लड़ाई जब खत्म होने लग जाती है, सबका एंड आता है, तो क्या हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है ना। पहले खाली बातों से होती है, फिर बाद में दोनों गुस्सा आता आपस के अंदर, और फिर क्या होती है, मार कुटाई होती है, होती नहीं होती, होती ना, है ना, कि वो उसके मार रहा है, फिर वो उसके बाल खींच रहा है, ऐसे आपस में लड़ाई होती है। तो इसमें बोला क्या है कि द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो हमारा जो एंड हुआ था लड़ाई का वो कैसा था, वो स्ट्रॉन्ग था, कि हमने खूब झगड़ा अच्छे से। ही सैड ही वॉज राइट, कि मेरे भाई ने बोला कि मैं सही हूँ, ठीक है, आई नो ही वॉज रॉन्ग। और फिर दूसरा भाई बोलता है मुझे पता है कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। बोलते नहीं ऐसे, बोलते हैं ना कि नहीं मैं सही हूँ, वो बोलता है नहीं मैं सही हूँ, तो बोलता है नहीं तुम गलत हो, बोलता है कि तू गलत है ना। तो ऐसे ही छोटे मोटे रीजन होते हैं, उससे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है और हमें उनका बारे में पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही है आपस में भाई बहनों में, नहीं पता ना, ऐसा ही होता है। आगे देखो, वी हेटेड ईच अदर, मतलब हम दोनों एक दूसरे से क्या करने लगे, नफरत करने लगे, ठीक है, एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हम दोनों दूसरे से नाराज होकर बैठ जाते हैं ना, फिर दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक बातें नहीं करते आपस के अंदर, है ना, होता है ना ऐसा, कि पहले तो आपस में लड़ लेते हैं, तो एक दूसरे पे गुस्सा आता है, फिर क्या होता है, फिर एक दूसरे से नाराज होकर घंटों तक बैठे रहते हैं, ना वो उससे बोलता है ना वो उससे बोलता है, होता है ना ऐसा। Then suddenly my brother, और तब अचानक से मेरा भाई क्या करता है, thumped me on the back, मेरी जो पीठ है उस पर जोर से मारता है ऐसे। And said, और कहा, oh come along, क्या बोलता है, अरे अब जाने भी तो छोड़ो, कोई बात नहीं, We can't go on all night, कि हम अब पूरी रात तो नहीं झगड़ सकते, नहीं झगड़ सकते ना। फिर उन्होंने सुबह झगड़ा शुरू करना शुरू किया, थोड़ी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, फिर वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया, पहले पहले वो बातों से कर रहे थे, फिर उनमें मार कुटाई हो गई, है ना। और उसके बाद जब दोपहर होती है तो क्या होता है, वो दोनों दूसरे से नाराज होकर बैठ जाते हैं, है ना, बैठ जाते हैं ना। और फिर जब शाम होते होते क्या होता है कि मेरा भाई मेरे पास आता है और मेरे पीठ पर जोर से क्या करता है, थंप करता है, पीठ थपाता है, और फिर क्या करता है कि ओ कम अलोंग, अरे छोड़ो बस, जाने भी दो, जो हो गया वो हो गया। वी कैंट गो ऑन ऑल नाइट, कि हम पूरी रात नहीं झगड़ सकते। जो वर्ड है ना गो ऑन, इसका मतलब क्या होता है, गो ऑन कैरी ऑन, मतलब चालू रखना, कैरी ऑन चालू रखना या जारी रखना, ठीक है, कि हम अपनी जो लड़ाई है उसको हम पूरी रात तक चालू नहीं रख सकते, पूरी रात उससे नहीं लड़ सकते, अब छोड़ो इस बात को। आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मुझे पता है कि मैं गलत था, सो ही वॉज इन द राइट, और मुझे ये पता है कि तुम सही थे। तो ये हमारी पोइम है, जो अपने क्या बताया इस पोइम के अंदर, कि भाई बहनों के जो झगड़े होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं और कैसे खत्म होते हैं, है ना। शुरू तो छोटे से बात पे होते हैं, लेकिन थोड़ा होते होते वो आपस में फिर क्या होती है, फिर मार कुटाई होती है, होती नहीं होती, वो उसके बाल खींचता है, वो उसके दुख लगाता है, वो उसके थप्पड़ लगाता है, होती ना, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में दोनों दूसरे को मनाने में लग जाते हैं। तो ये अपनी ब्यूटीफुल पोएम थी अपनी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी पोएम, सज में आया पोएम किस बारे में थी, ठीक है। तो आप इसके तो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो लिख लो,
अपना फर्स्ट वर्ड लेते हैं अपन क्वेरल, तो मतलब क्या होता है टू फाइट, मतलब झगड़ना। लीड, टू कैरी मतलब लेके जाना,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे जो मैंने आपको लिखा दिए हैं। आई होप आप सब ने लिख लिए होंगे। अनिरुद्ध, दैविक, बताओ आपने लिखे नहीं लिखे? दैविक ओपन योर माइक एंड टेल मी। ठीक है, और किसी नहीं लिखे हैं मैं उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो सेंड कर दूंगा। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।